हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों? उम्मीद करते होंगे अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो गाइस, हम सबको पता है कि बिग बॉस OTT सीजन 3 की जो विनर है वो विनर बन चुकी है सना मकबूल। लेकिन ये सब लोगों के लिए शॉकिंग बात है और साथ सब लोगों के लिए ये ना पचने वाली बात है कि आखिर जो बिग बॉस OTT सीजन 3 की जो विनर है जो कि सना मकबूल बनी है, कैसे? क्योंकि देखे जाए तो जो आखिर के फाइनलिस्ट थे, जो 5% थे, साई केतन या फिर नेजी, सना मकबूल और कृतिका, तो ये कहीं ना कहीं तक लोगों के मन में सवाल था कि ये जो 5 लोग हैं साथ में रणवीर शौरी, तो ये 5 लोग मिलके जो आखिर तक पहुंचे फिनाले तक, एक तो बहुत शॉकिंग न्यूज़ थी। उसमें से जो इनका एलिमिनेशन हुआ वो भी शॉकिंग न्यूज़ थी। अब देखने की बात आई है, जो ट्रॉफी मिली है वो भी कहीं ना कहीं तक एक अनफेयर और एक शॉकिंग न्यूज़ रही है बिग बॉस जर्नी के अंदर। क्योंकि गाइस, देखी जाए अगर इस जर्नी के हिसाब से बात की जाए, जो सना मकबूल के दोस्त थे कहीं ना कहीं तक, जैसे कि कटारिया और विशाल, उनको खुद भरोसा नहीं था कि जो ट्रॉफी है कहीं ना कहीं तक जो सना मकबूल है उसको मिलेगी या सना मकबूल उस ट्रॉफी को विनर करने की हकदार है। लेकिन फिर भी गाइस, देखते देखते सना मकबूल आखिर उस ट्रॉफी की विनर बनी गई। विशाल को जब लोगों ने पूछा तो विशाल भी ये मानने को उसको लग रहा था कि कहीं ना कहीं सना मकबूल कैसे बन गई बिना। तो गाइस, देखा यहाँ पर, मतलब जो उसका दोस्त है सना मकबूल का, उसको भी लग रहा है कि जो नेजी है वो कहीं ना कहीं तक जितना चाहिए था, तो नेजी तो विनर नहीं बना है, लेकिन विनर बन गई है सना मकबूल। भाई एक और देखिए, विनर को लेके मैं ऑलरेडी विनर हूँ, मैं ऑलरेडी ये नींद में ही रहती है। आराम से, नेजी सबके दिलों में राज कर रहा है, सबको पता है। वो कहता है कि आपको ये रिजल्ट अनफेयर लगा, हमेशा होता है। तो गाइस, देख सकते हैं जो अंदर के घर के जो लोग थे कहीं ना कहीं तक, चाहे वो रणवीर शौरी हो या फिर अरमान मलिक हो या कहीं ना कहीं तक कृतिका ही क्यों ना हो, जो भी घर के अंदर मौजूदा लोग थे कहीं ना कहीं तक, उनका मानना यही है कि जो विनर बनी है सना मकबूल, ये कैसे पॉसिबल हुआ विनर बनने के पीछे का आखिर हाथ किसका है, ये विनर बनी तो कैसी बनी? क्योंकि इसको अगर देखा जाए, बाहर की जनता इतना जानती नहीं है जो इसको सपोर्ट करके इसको विनर बनाया जाए। लेकिन गाइस, देखने की बात यह है कि ये जो चौकड़ी थी कहीं ना कहीं तक, उस चौकड़ी में कटारिया भी शामिल था, और कटारिया का जो फैन फॉलोइंग है, जो कटारिया के जो पर्सन है, जो उसके पीछे फैंस खड़े हैं, साथ साथ उसकी जो आर्मी है कहीं ना कहीं तक, मुझे ऐसा लगता है कि उनका जो समर्थन था कहीं ना कहीं तक वो कटारिया से शिफ्ट हो गया सना मकबूल पर। इसलिए सना मकबूल शायद उस वजह से ही विनर बनी है। क्योंकि अगर देखा जाए, विनर का बहस होता जाए अगर टैलेंट के आधार पर या फिर फैन फॉलोइंग के आधार पर, तो सना मकबूल के इतने फैंस उस तरह के सपोर्टेबल नहीं हैं जो सपोर्ट कर सके। गाइस, देखा जाए कहीं ना कहीं तक कि सना मकबूल जो विनर बनी है उसके पीछे कहीं ना कहीं तक कटारिया और उसके फैंस का कहीं ना कहीं तक हाथ है। एक रील्स में देख सकते हैं। तो गाइस, देखा जाए तो ये जो विनर बनी है कहीं ना कहीं सना मकबूल, ये सब लोगों को मिलाकर विनर बनी है कहीं ना कहीं तक। अगर इल्विश अयारमी का या फिर कटारिया के फैन फॉलोइंग का या शिवानी कुमारी के जो फैंस हैं, जो घर से निकलने के बाद इन लोगों ने कहीं ना कहीं तक सपोर्ट दिखाया अपनी दोस्ती के लिए, तो वही सपोर्ट के जरिए विनर बनी है सना मकबूल आज की डेट में। हालांकि सना मकबूल ने घर के अंदर अपने षड्यंत्र चले हैं दोस्ती के चलते, उसने कई बार ऐसी बातें बोली हैं जो बातें उसको नहीं बोलनी चाहिए थी, चाहे वो बातें कटारिया के बारे में हो या फिर विशाल के बारे में हो या फिर शिवानी कुमारी के बारे में। क्योंकि देखा जाए तो कहीं ना कहीं तक उसने किसी के लिए स्टैंड नहीं लिया पूरे घर में, पूरे इस जर्नी के दौरान, चाहे वो शिवानी हो, चाहे कटारिया हो, चाहे विशाल हो, उसने सबको धक्का मार के ही आगे बढ़ी है। लेकिन वही देखी जाए जो विशाल है और साथ साथ कटारिया है और शिवानी है, कहीं ना कहीं तक शिवानी और कटारिया की जो दोस्ती है वो कहीं ना कहीं तक काबिले तारीफ है इस जर्नी के दौरान। क्योंकि कटारिया ने जिससे भी दोस्ती रखी है, चाहे वो विशाल हो या फिर शिवानी कुमारी हो
उसे शिवानी कुमारी को एक बहन की तरह ट्रीट करता है, अपने आप को एक बड़ा भाई मानता है। उसी तरह से विशाल को अपनी दोस्ती के लिए उसने जो अपनी दोस्ती निभाई वो दोस्ती के लिए वो हमेशा खड़ा तत्पर। और आज की डेट में देखा जाए जो ये दोस्ती देखने को मिली, उस दोस्ती के चलते ही आज जो कहीं ना कहीं तक बिग बॉस की जर्नी की जो विनर सना मकबूल बनी है, तो उसके पीछे जो हाथ है कहीं ना कहीं तक वो कटारिया का और शिवानी कुमार जैसे बड़े बड़े ब्लॉगर्स और यूट्यूबर्स का है। इनके दम पर ही सना मकबूल है, जो कि अपनी फिल्म अभिनेता की जगत से आती है। ये लोग बोलते हैं कि यूट्यूबर ब्लॉगर उस कैटेगरी में खड़े नहीं होने वाले हैं, लेकिन यूट्यूबर और ब्लॉगर के दम पर ही, उनकी फैन फॉलोइंग के दम पर ही आज सना मकबूल ट्रॉफी हासिल कर पाई है बिग बॉस घर के अंदर। गाइज, तो गाइज ये सच्चाई बिल्कुल छिपी हुई नहीं है कि सना मकबूल को विनर बनाने के पीछे जो लोगों का हाथ है वो है एल्विस शारमी, कटारिया और शिवानी के फैन फॉलोइंग। दोस्तों, तो दोस्तों बन चुकी है सना मकबूल बिग बॉस OTT सीजन 3 की विनर। हालांकि ये बातें लोगों को पच नहीं रही है कि वो विनर कैसे बन गई है। कुछ लोग अभी तक शौक में हैं, जैसे कि अरमान मलिक एंड रणवीर शौरी, तो उनके समझ में नहीं आ रहा कि ये आखिर सना मकबूल विनर कैसे बन गई, क्योंकि सना मकबूल के विनर बनते ही उसने बोल लिया कि मैंने बहुतों को प्रूव किया, क्योंकि बहुत लोग चाहते थे कि मैं विनर बनने के लायक भी नहीं हूँ, लेकिन मैं विनर बनकर उन लोगों के मैंने मुंह बंद कर दिया। दोस्तों, तो खैर दोस्तों, इस जर्नी में हमने देखा उतार चढ़ाव और आखिर में हमको मिला एक विनर, और बहुत जल्दी जल्दी बिग बॉस ने ये शो ख़त्म कर दिया। इसके पीछे का जो राज है शायद वो बिग बॉस किसी को नहीं बताने वाला है। तो गाइज मिलते हैं अगली किसी बेहतरीन वीडियो के साथ, ब्लॉग के साथ। तो फिर अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त।